अब मुझे समझ आया लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं और ये क्यों मशहूर है इतना। बीच में आना जरूरी था। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। भाई आज की वीडियो में होने वाला है लिविंग इन 1000 रुपीज फॉर 24 आवर्स। ऐसे फूड चैलेंजेस में ना मुझे मजा आ जाता है। लेकिन लास्ट टाइम हम लोग गए थे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट 500 रुपीज का चैलेंज करने, लेकिन हम लोग यहाँ इस बार हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। इस बार हम लोग जाने वाले ऐसी फूड स्ट्रीट जो उससे भी ऊपर लेवल की है। इन 1000 रुपीज का सारा खाना मैं आज खुद खाने वाला हूँ। अभी तो मेरी ईद होने वाली है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैलेंज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाओ यार। So guys, you guessed it right. Now we are at Bhadrabad Food Street. अभी तो हम शर्फाबाद पे खड़े हैं। तो शर्फाबाद और भाद्राबाद का ना वो वाला रिलेशन है जो समोसा और चटनी का रिलेशन है। So guys, हमने काफी सोचा है और डिसाइड किया कि हम लोग मीठे से शुरुआत करें। तो हम लोग केबीज हैं, केबीज आइसक्रीम, और आज अंदर जाके इनका मेन्यू लेते हैं यार। तो भाई इनका मेन्यू देख के तो ऐसा लग रहा है हमारा बजट आउट होने वाला है, लेकिन हम तो सबसे चीप वाला कौन ऑर्डर करेंगे, वो है 190 रुपीज का। भाई हमने कौन ऑर्डर कर दिया, तो फाइनली हमारा कौन रेडी होकर आ चुका है। ये भाई मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, मैं खुद टेस्ट करूंगा। मजे का मजा, ये ठंडक पे गई यार। अजान भाई ये गलत है, मुझे भी खिलाओ। मैं भी खिलाऊंगा, सारा खाना मैं खाऊंगा। So guys, finally आइसक्रीम खा ली। लेकिन मैं क्यों finally बोल रहा हूँ, मैं तो आइसक्रीम खाई नहीं, खाई तो अजान ने। अब मैं पैसे नहीं देने वाला, अजान ही पूरे पैसे देगा। हाँ ठीक है, मैं ही दूंगा पैसे आपसे कट्टी। जाने दो, अभी खुद ही आएगा वापस। A few moments later. So guys, finally आइसक्रीम खा ली। अब हमारा मूड हो रहा है कुछ यार स्पाइसी मजेदार चटपटी चाट खाने का, गोल गप्पे खाने का। तो हम लोग आए हैं दिल पसंद चाट हाउस, और मैंने सुना है यहाँ की चाट है ना बिलावल भुट्टो की भी फेवरेट है। ऐसा क्या है इनकी चाट में, आइए देखते हैं। तो गाइस हमने इनके मेन्यू में से ऑर्डर करी है मीठी पानी पूरी इन 160 रुपीज एंड मिक्स चाट इन 160 रुपीज। तो अभी इनका चेक करते हैं टेस्ट कैसा है, वाकई पैसे वसूल है या नहीं। So guys, finally, हमारे गोल गप्पे और चाट आ चुकी है, टेस्ट करते हैं कैसे। बहुत ही क्रिस्पी है यार, बहुत मजे की है। लेकिन अजान भाई को मैं नहीं खिलाने वाला, जिससे अजान भाई ने मुझे तड़पाया था ना, मैं नहीं खिलाने वाला। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ये चेक करो। अब मैं बता रहा ब्लावर भुट्टो को इनके चाट क्यों पसंद है। VIP यार, मजेदार यार भाई, पूरा चैलेंज एक तरफ, सारे खाने एक तरफ। ये चेक करो यार, भाद्राबाद की ब्यूटी, चार मीनार चौरंगी। इस पे तो आपके भाई का सच में दिल आ गया यार, कितनी अच्छी सजी हुई है, चेक करो यार। यार अभी की अपडेट ये है कि हमने चाट भी खा ली है, आइसक्रीम भी खा ली है, तो अभी तो पेट भरा नहीं है चाट से। मेरा दिल कर रहा है यार ये चार्मिंग के बन कबाब खाए जाए। अदान भाई क्या ख्याल है। हाँ यार ट्राई करते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी हूँ, मैंने तो उसकी बड़ी तारीफ भी सुनी। आ जाओ यार ट्राई करते हैं, तारीफ के काबिल है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी ट्राई करे ही नहीं अंडे बर्गर। हाँ लाला बर्गर कितने का, यार हम लोग सादा बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है देख लिए सिनेमैटिक शॉट्स, आ गया मुंह में पानी, और मेरे मुंह में पानी आ गया यार। आ जाओ मैं तो आपको उसका टेस्ट बताता हूँ, ये चेक करो यार। ओए होए होए फुल मजे का, टेस्ट करते हैं। स्पाइसी भी है, चटपटा टेस्टी है, सॉस फुल है, मजे का यार। VIP है, मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, मुझे लगा नॉर्मल रन का होगा, लेकिन नॉर्मल से बहुत अच्छा है यार। अब हम भी टेस्ट करते हैं कैसा है बर्गर, दान भाई सही कह रहे हैं या नहीं। अब मुझे समझ आया लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं और ये क्यों मशहूर है इतना। बीच में आना जरूरी था। So guys, अभी की अपडेट ये है हमने बन कबाब भी खा लिया। अच्छा। से बताता हूँ मैं आपको, 190 की हमने आइसक्रीम खाई थी, 320 की हमने चाट और गोलगप्पे वगैरह खाए थे, और ये 90 रुपीज का हमने चार मिनट का बन कबाब खाया। तो कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है, आप खुद कर लेना यार। लेकिन अभी बचे हमारे पास ये 400 रुपीज, तो अब देखते हैं 400 रुपीज का हम क्या खाते हैं।
चेक करो यार, इसको तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा खराब करने का यार, लेकिन चलो फिर टेस्ट तो करें यार। ओए होए होए, ये चेक करो भाई, 100 चॉकलेट ही लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा चॉकलेट ही लग रहा है। मुझे चॉकलेट से ओवरलोड हो रहा है यार, वीआईपी बहुत जबरदस्त है, फुल गर्मा गर्म बॉबल है, ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो बड़ा आ रहा है यार। गाय सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत चॉकलेटी लग रहा है, टेस्ट करते हैं इसको। भाई यकीन मानो, इधर और भी आइसक्रीम वाले हैं, वॉफल वाले हैं, लेकिन खालिद आइसक्रीम इज द बेस्ट। आप लोग भी ट्राई करो इधर आके, बहुत सारे मेन्यू में आइटम्स हैं इनके, बहुत सारे डिजर्ट्स हैं, अब तो इधर वॉफल भी आ गए, तो जल्दी आओ यार ट्राई करो। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, ये वॉफल हमें मिला है ओनली 400 रुपीज़ में। सो गाइस, ये था हमारा 1000 रुपीज़ चैलेंज। जब आप लोग कमेंट्स में लिखोगे आप लोगों ने यहाँ क्यों नहीं ट्राई किया, वहाँ क्यों नहीं ट्राई किया, तो भाई बड़ी बड़ी ब्रांड्स ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट था ओनली 1000 रुपीज़, मगर मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आजान भाई आपने कहाँ एंजॉय किया? सबसे ज्यादा मैंने तो एंजॉय किया चावलिंग बर्गर में, बिकॉज आई लव स्ट्रीट फूड। ओ तो आप लोगों ने अगर एंजॉय किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।